हेलो गाइस, सो वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल ऑफ टिम्स फरविन। सो आई होप आप सब काफ़ी अच्छे होंगे, काफ़ी अच्छा विन भी कर रहे होंगे। सो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करने वाले हीरो आईएसएल का, जो आज का मैच होने वाला है मोहन बागान एफसी वर्सेस एफसी गोवा के बीच में। करीबन 8.5 घंटे इस मैच के लिए बचे हैं। सो वीडियो को पूरा आखिर तक देखना, दोनों टीम्स के जो कौन से मेन प्लेयर्स हो सकते हैं, क्योंकि काफ़ी मेन प्लेयर्स हैं, आपको थोड़ी दिक्कत आ सकती है इस मैच में बनाने में टीम। सो इसलिए बाकी जो फाइनल टीम वगैरह है और जो ग्रैंड लीग की टीम्स हम डालते हैं, उनके लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। सो वहाँ पर जाके ज्वाइन कर लें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी अगर आप लिंक से ज्वाइन नहीं कर पाते, क्योंकि कभी कभी लिंक जो वर्क नहीं करता है, तो आपको ना टेलीग्राम के अंदर यहाँ पर आकर आपको टीम्स फॉर विन सर्च करना है। आपको सबसे ऊपर जो चैनल मिल जाएगा 1,06,000 मेंबर्स का। सो यहाँ पर आके ज्वाइन कर लेना। रात वाले जो फुटबॉल मैचेस है वो भी आप आराम से देख ही सकते हैं। टीम्स यहाँ पर प्रोवाइड की गई थी, शायद वीडियो आई नहीं थी बट टीम आ गई थी यहाँ पर। सो इसलिए कहता हूँ क्योंकि सभी भी मैचेस की जो वीडियोस है वो हम पोस्ट नहीं कर सकते हैं। सो इस वजह से बाकी टीम्स वगैरह सभी मैचेस की आती हैं, क्रिकेट वगैरह, फुटबॉल, बास्केटबॉल सब कुछ कवर करते हैं एंड फ्री ऑफ कॉस्ट है आप सबके लिए। सो फटाफट से जाके ज्वाइन कर लेना। बाकी गिव अवे वगैरह भी आपको पता ही, रोज़ आईएसएल की वीडियो में होते हैं। अब चलते हैं अपने प्रीव्यू के ऊपर। तो मैच है एटी के मोहन बागान एफसी वर्सेस एफसी गोवा के बीच में, दो स्ट्रॉन्ग टीम्स है। इंडियन सुपर लीग का मैच है, 7:30 इस मैच की डेडलाइन होने वाली है। बाकी वेन्यू की बात करें, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम मारगांव इंडिया में ये मैच है। टीम्स फॉर विन आप ऐसे सर्च करके ज्वाइन कर सकते हैं, यहाँ पर भी जो मैंने दिखा दिया इस वजह से। बाकी कल के गिव अवे विनर थे गौरव सिंह, कॉन्ग्रेचुलेशन बड़ी। और जो गोल किया था इंद्र एरिदिन संताना ने किया था। सभी गोल स्कोर के नाम नहीं है बट मेरे को ऐसा कोई भी नहीं मिला जिन्होंने सबके नाम लिखे। और पासेज फिर सबसे ज़्यादा थे स्टीमन के। मैं ढूंढ नहीं रहा था क्योंकि कल की मेरी प्रोबेबल लाइनअप में थे नहीं स्टीमैन की जगह पर। मैं जो उनसे कम पासे जिन्होंने किए थे वो थे, आई थिंक आशीष मिश्रा नहीं थे, स्कॉट नेवल थे शायद 48 पासेस के साथ, या फिर आकाश मिश्रा थे शायद 50 के साथ, बट मेरे को स्टीमैन ही मिल गए तो फिर यही विनर हुए। बाकी आप अपना जो पेमेंट नंबर जो कमेंट में मेंशन कर देना। बाकी टेबल स्टैंडिंग्स की बात करते हैं, मोहन बागान एफसी जो थर्ड पर है उनमें से 5 मैच इन्होंने खेले हैं, 3 विन के 1 ड्रॉ 1 लॉस। सो काफ़ी अच्छा जो इनका सीजन स्टार्ट हुआ है, आज का मैच जीत कर जो सेकंड प्लेस पर ये जाना चाहेंगे। 5 मैचेज में 6 गोल इन्होंने किए हैं और 3 गोल ही जो कंसीड किए हैं। सो काफ़ी अच्छा डिफेंस खेल रहा है इनका, अटैक भी काफ़ी अच्छा है जिसमें रोहित कृष्णा है बिल्कुल। एफसी गोवा की बात करते हैं, वो है 5th प्लेस पर, अब तक 5 मैचेस इन्होंने खेले बट इन्होंने जो है 1 ड्रॉ ज़्यादा खेला है और 2 विन है, 1 जो है ये भी हारे हैं। 7-5 का जो इनका जो गोल कंसीड और गोल स्कोरिंग चल रहा है, 7 गोल इन्होंने स्कोर किए और 5 ही गोल जो है अब तक कंसीड किए। सो इनका भी अटैक, क्योंकि इगोर एंगुला है, सो काफ़ी अच्छे चल रहे हैं इनका भी अटैक और डिफेंस। बाकी प्रोबेबल प्लेइंग 11 की बात करते हैं दोनों टीम्स की तरफ से, तो इधर से मानवीर जो काफ़ी अच्छा परफॉर्म करते हैं उस वजह से वो वापस अपनी टीम में जगह जो रिटेन करने वाले, कृष्णा और मानवीर आपको 2 दिखेंगे आगे सेंटर फॉरवर्ड में। बाकी गार्सिया, ग्लेन मार्टिन्स, मैकुक, इनमान और प्रबीर दास ये आपको दिखेंगे मिडफील्ड में। 5-3-5-2 के जो है कॉम्बिनेशन फॉर्मेशन से खेल सकती है मोहन बागान एफ सी आज के मैच में। राठी, झिंगन और प्रीतम कोटल ये आपको दिखेंगे डिफेंस में, 3 मैन डिफेंस और अरिंदम भट्टाचार्य जो इनके काफ़ी अच्छे गोलकीपर है, काफ़ी अच्छे सेव वगैरह दिखा रहे हैं ये भी अपने टीम के लिए। सो ये दिखेंगे आपको गोलकीपिंग में। करंट सीजन के अगर टॉप 3 स्कोर की बात करें करेंगे तो रोहित कृष्णा जिन्होंने की अब तक अपने टीम के लिए 4 गोल्स और मनवीर सिंह 2 गोल और 1 असिस्ट इनका है। सो बाय डिफॉल्ट दोनों प्लेयर काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाते हैं आपकी टीम के लिए। बाकी दूसरे इंपॉर्टेंट प्लेयर्स के बारे में आगे बात करते हैं। डाउटफुल प्लेयर्स की बात करेंगे तो टीरी और जावी हर्नांडीज है, अगर दोनों में से खेलते हैं तो फिर राठी की जगह पर टीरी आ जाएंगे, ग्लेन मार्टिन्स या इनमान की जगह पर जो है जावी हर्नांडीज आ सकते हैं। सो ये कुछ कॉम्बिनेशन बन सकता है अगर ये खेलते हैं तो, बाकी डाउटफुल है, खेलने के चांसेस थोड़े कम है क्योंकि इंजरी से रिकवर हुए हैं। बाकी एफसी गोवा की बात करते हैं तो इगोर एंगुलो जो करने वाले इनकी तरफ सेंटर फॉरवर्ड मेन स्ट्राइकर है। बाकी ओर्टिज, ब्रेंडन और रोमारियो, रोमारियो और ओर्टिज जो एक रहने वाले, रोमारियो की जगह पर नोगुरा रिबोल भी आ सकते हैं। सो ये दोनों रहने वाले विंगर, ब्रेंडन फर्नांडीज जो है वो रहने वाले इधर से अटैकिंग मिडफील्डर। बाकी बेदिया और लेनी रोड्रिगो डिफेंसिव मिडफील्ड में आपको दिखेंगे और इधर से 4 मैन डिफेंस में गामा, इवान डोनाकी और सैरिटोन के साथ ही वापस स्टार्ट कर सकती है टीम। बाकी मोहम्मद नवाज़ जो इनकी तरफ से गोलकीपिंग में आपको दिख ही जाएंगे। अगर इनके इंपॉर्टेंट प्लेयर की बात करें गोल स्कोरिंग के अकॉर्डिंग तो इगोर एंगुला बाय डिफॉल्ट आज के कैप्टन वाइस कैप्टन पिक भी है हमारे लिए, 6 गोल अब तक इस सीजन में कर चुका है। ओर्टिज मेंडोज़ा की बात करेंगे 1 गोल है, ब्रेंडन फर्नांडीज और जयसुराज की बात करेंगे तो 2-2 असिस्ट इन दोनों के भी है। बाकी इधर से इंपॉर्टेंट प्लेयर मैं आगे बताता हूँ आपको गोवा की तरफ से। बाकी सेट पीस टेकर्स की बात करते हैं तो रोहित कृष्णा जो लेंगे पेनल्टी, एफसी गोवा की तरफ से एंगुलो पेनल्टी लेने वाले, और गार्सिया और बेडिया जो इन दोनों टीम्स की अपनी अपनी टीम की तरफ से फ्री किक्स और जो है कॉर्नर्स वगैरह लेने वाले, उधर से तो गार्सिया ही लेंगे
और ज़्यादा इनके पास ऑप्शंस है नहीं। बट अगर एफसी गोवा में आते तो लास्ट मैच में जो है डोनाकी ने फ्री किक्स ली थी और इधर से ब्रेंडन ने फ्री किक्स ली थी, बट आई थिंक बेदिया नहीं थे उस मैच में। सो इस मैच में बेदिया जाएंगे तो ज़्यादातर फ्री किक्स और कॉर्नर्स वही लेने वाले हैं। अदरवाइज़ आप डोनाकी को भी अगर एक टीम जब बनाए एफसी गोवा की फेवर में तो उसमें कैप्टनवाइज कभी ट्राई कर लेना। अगर फ्री किक्स लेते हैं और गोल अगर कर देते हैं तो काफ़ी अच्छा रहेगा आपके लिए। बाकी ये रिसेंट फॉर्म आप देख ही सकते हैं एटलेटिको बोल रहा हूँ मैं, एटीके मोहन बागान एफसी की, तो उन्होंने अपने जो शुरुआती मैचेस थे तीनों विन किए क्लीन शीट के साथ। फिर एक मैच ये जमशेदपुर के अगेंस्ट हार गए 2-1 से, फिर खेला इन्होंने ड्रॉ, सो वापस एक विनिंग ट्रैक पर आना चाहेंगे और सेकेंड प्लेस पर अपनी जगह जो पक्की करना चाहेंगे अभी के लिए। बाकी एफ सी गोवा की बात करते हैं तो पिछले 5 में इन्होंने भी जो शुरू के 3 मैचेस तो इनके काफ़ी अच्छे गए नहीं थे, एक ड्रॉ रहा फिर हारे ये फिर ड्रॉ रहा, उसके बाद लगातार 2 मैचेस जो इन्होंने विन किए और आज भी कंटिन्यू रखना चाहेंगे अपनी विनिंग को। सो दोनों टीम्स के बीच में आपको काफ़ी अच्छा मैच आज देखने को मिल सकता है। एक ही बात कहूँगा, अगर आप कभी फ्री रहते हैं, फ्री टाइम में आप बिजी नहीं रहते तो मैच ज़रूर देखा करो यार। बाकी की प्लेयर्स की बात करते हैं स्मॉल लीग की तरफ से, तो रोहित कृष्णा, एदो गार्सिया, मानवीर सिंह, मैकुक और झिंगन झिंगन जो है डिफेंस में से बता रहा हूँ, बाकी ये 4 तो काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए बन के आते हैं। बाकी इधर से एंगुलो, ओर्टिस, ब्रेंडन, बेदिया और इवान, इवान जो है वापस से वही झिंगन वाला रोल डिफेंस में, बाकी चारों ये आपके लिए काफ़ी अच्छे प्लेयर्स हैं मिडफील्ड और स्ट्राइकर सेक्शन में आपको जो मिलेंगे। बाकी झिंगन और इवान को इसलिए बताया क्योंकि अगर आप डिफेंस के फेवर में जब आप टीम बनाते हैं ग्रैंड लीग के लिए या स्मॉल लीग के लिए आपकी मर्जी हो, आप अपने प्रेडिक्शन में बनाते हैं तो उसमें आप झिंगन और इवान को कैप्टन वाइस कैप्टन कर सकते हैं। सेफ कैप्टन वाइस कैप्टन स्मॉल लीग के लिए आज कौन कौन से हो सकते हैं, एंगुलो, रॉय कृष्णा, गार्सिया और ओर्टिस मेंडुजा, ये आपको मिल सकते हैं। ज़्यादातर टीमों में आपको एंगुलो और रॉय कृष्णा मिलेंगे, गार्सिया और ओर्टिस थोड़े रिस्की हो सकते हैं। बाकी ग्रैंड लीग पिक्स के लिए आज मेरे पास एक ही प्लेयर है, वो है ब्रेंडन फर्नांडीज, क्योंकि बाकी सभी जो गोल कर सकते हैं मेरे हिसाब से काफ़ी कॉमन है और आप उनको ग्रैंड लीग में बिना कहे ट्राई करने वाले, जैसे कि इधर से रोहित कृष्णा, मानवीर सिंह, गार्सिया, मैकुक और एफसी गोवा की तरफ से एंगुलो, ओर्टिस मेंडोजा, ब्रेंडन, बेदिया, इन सबको। बाकी मेरे लिए जो इंपॉर्टेंट प्लेयर बन के आते हैं वो है ब्रेंडन फर्नांडीज, काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस आपको दिखा सकते हैं ये भी। और आज का जो गिव अवे का क्वेश्चन है वो थोड़ा अलग है, गोल स्कोरर्स आपको बताने कौन कौन गोल स्कोर कर सकता है और जो पासेज सबसे ज़्यादा किसके पासेज कंप्लीटेड रहेंगे उसका नाम बताना है आपको, टचेज या टोटल पासेज नहीं बताना है। वापस बता देता हूँ आपको, आपको पासेज कितने कंप्लीट होंगे वो बताना है और आपको अगर आपको डिफरेंस देखना है टचेज पासेज और पासेज कंप्लीटेड में कि क्या है तो वो आप लास्ट वीडियो के एंड में देख सकते हैं, वहाँ पर मैंने बताया था। बाकी अब चलते अपनी ड्रीम इलेवन की टीम के ऊपर, अरिंदम भट्टाचार्य जो उनको मैंने अभी के लिए पिक किया हुआ है, आप कर सकते हैं इधर से मोहम्मद नवाज़ को अगर करना चाहते हो, बट एफ सी गोवा का जो डिफेंस है काफ़ी अच्छा है, काफ़ी ज़्यादा शॉट्स ऑन टारगेट वो लेते हैं, सो भट्टाचार्य काफ़ी ज़्यादा चांसेस बनते हैं ज़्यादा सेव्स करने के, सो इस वजह से भट्टाचार्य को पिक किया हुआ। और मेरे को लगता है कि जो दोनों टीम्स आज स्कोर कर सकती है बोथ टीम्स स्कोर आज जा सकता है, सो उस वजह से ज़्यादा इफेक्ट जो पड़ने नहीं वाला है मेरे हिसाब से डिफेंस की टीम पर। आपको जो आपका जो विनिंग का डिपेंड करेगा वो करेगा मिडफील्ड और स्ट्राइकर सेक्शन में से आप कौन से प्लेयर्स पिक करते हैं उसमें। सो डिफेंस में तो अभी के लिए बताया तो हम आपको डोनाकी को पिक किया हुआ है और नीचे से झिंगन, गरीडो गोंसालेस और कोटल को, आप इधर से कोटल की जगह पर प्रबीर दास को पिक कर सकते हैं, आपके पास एक अच्छे ऑप्शन बनते हैं। और बाकी आपके पास अगर एफ सी गोवा की तरफ से बात करेंगे तो फिर सैवियर गामा और सेरिटन फर्नांडीज, पर ज़्यादा जो है टैकल्स वगैरह के पॉइंट जो दोनों प्लेयर्स दे नहीं रहे, सो इस वजह से मैंने डोनाकी और गरीडो गोंजालेस को पिक किया हुआ है। करना चाहे तो डोनाकी की जगह पर गामा या जो है सैरिटन फर्नांडीज, इन दोनों में से आप एक को पिक कर सकते हैं। बाकी अब आते हैं मिडफील्ड पे, तो आपको बता दूं जावी हर्नांडीज अगर खेलते हैं तो ज़रूर पिक करूँगा, और अगर टीरी खेलते हैं तो फिर उनको मैं झिंगन या फिर कोटल की जगह पर पिक कर लूँगा, बाय डिफ़ॉल्ट मेरे पिक रहने वाले हैं अगर खेलते हैं तो ये। बाकी अभी के लिए नहीं खेल रहे, प्रोबेबल लाइनअप में भी नहीं थे, डाउटफुल थे, इस वजह से मैं हटा रहा हूँ इनको। बाकी मेरे 3 प्लेयर आप देख ही सकते हैं मिडफील्ड में, ओर्टिस मेंडोजा है, बेदिया और मैकुक है। आपके पास ऑप्शंस मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से बनते हैं, जेलसन मार्टिन्स जो ग्रैंड लीग के लिए आपके पिक बन सकते हैं, और इधर से अगर नोगुरा रिपोल खेलते हैं तो, बाकी जयसुराज अगर खेलते हैं तो, यशुराज अगर खेलेंगे तो भी इनका परसेंटेज काफ़ी ज़्यादा बढ़ने नहीं वाला है, काफ़ी लोग इनको इग्नोर ही करने वाले हैं, तो ग्रैंड लीग की टीम में जरूर ट्राई कर लेना, स्मॉल लीग के लिए मैं सजेस्ट आपको करूँगा नहीं। बाकी आप ब्रेंडन फर्नांडीज को पिक कर सकते हैं, ये एक मैंने स्मॉल लीग में एक रिस्क लिया है, आप अगर इधर से जो किसी डिफेंडर को आप जैसे कि जिंगन को या फिर डोनाकी को, इन दोनों में से किसी एक को ड्रॉप करके आप अगर लेना चाहे तो ब्रेंडन फर्नांडीज को ले सकते हैं, मेरे लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेयर है। लाइनअप के बाद अगर कुछ चेंजेस होते हैं, कोई प्लेयर हटते हैं तो फिर चांसेस बनेंगे ब्रेंडन फर्नांडीज को मैं ले सकता हूँ या नहीं, वो डिपेंड करेगा, आप देख लेना, क्योंकि ये सभी तो मेरे आज मस्ट पिक रहने वाले जो 6 प्लेयर्स हैं।
और इधर से कोटल और गरीडो गोंजालेस और इधर से भट्टाचार्य लाइनअप आने के बाद मैं चेंज करूंगा, तो इन दोनों प्लेयर्स में करूंगा और इन दोनों की जगह पर मैं अगर ब्रेंडन फर्नांडीज को लेंगा तो देखते हैं। बाकी ज़्यादा और ऑप्शंस आपके पास है नहीं लेनी रोडर को, जब आप एक डिफेंसिव टीम बनाए तो उसमें रख लेना ग्रैंडली की टीम में, बाकी ज़्यादा है नहीं। और एंगुलो रोहित कृष्णा और मानवीर सिंह, मानवीर सिंह की जगह पर आप गार्सिया को ले सकते हैं, एक ऑप्शन आपके पास बनते हैं। बट मानवीर सिंह जो रिसेंट मैचेस में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं तो उस वजह से उनको लिया हुआ है। एडो गार्सिया आपको जो चांसेस क्रिएट करेंगे उनके पॉइंट दे सकते हैं, सो आप इनमें डिसाइड कर लेना। आपको लगता है कि मानवीर सिंह गोल कर सकते हैं तो उनको लेना, और अगर आपको लगता है कि अगर नहीं करेंगे तो फिर इनको आराम से बिना कह रिमूव कर देना, गार्सिया को पिक कर लेना, क्योंकि आपको वो टैकल से और चांसेस क्रिएट करने से काफ़ी अच्छे पॉइंट आपको प्रोवाइड कर देंगे। तो ये थी मेरी टीम, कैप्टन एंगुलो, वाइस कैप्टन रोहित कृष्णा, कैप्टन वाइस कैप्टन इंटरचेंज भी कर सकते हैं अगर करना चाहें तो। बाकी ज़्यादा चांसेस जो है मेरे को एफ सी गोवा के आज जीतने के लग रहे हैं, 2-1 से ये मैच जीत सकती है एफ सी गोवा। सो काफ़ी अच्छा मैच भी आपको देखने को मिल सकता है। और ग्रैंडली के प्लेयर्स मैंने आपको बता ही दिए, ब्रेंडन फर्नांडीज को कैप्टन वाइस कैप्टन जरूर ट्राई करना, और इधर से अगर डिफेंसिव बनाओ तो गोंजालेज, और एक प्रबीर दास को भी जरूर ट्राई कर लेना डिफेंस में लो तब आप उनको, और गोलकीपर को भी किसी ना किसी टीम में कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई करना। सो ये थी मेरी टीम, बाकी ऑल द बेस्ट फॉर दिस मैच गाइस। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और कमेंट करके आप हमें बता सकते हैं। गिव अवे का आंसर आप बाद में भी दे सकते हैं बट मैच स्टार्ट होने से पहले दीजिएगा, क्योंकि कई प्लेयर्स को लगता है कि लाइनअप आने के बाद कुछ प्लेयर्स जो खेल सकते हैं फिर हम एडिट नहीं कर पाएंगे कमेंट। सो वो आप कर सकते हैं लाइनअप आने के बाद, आप आराम से जवाब दे देना। अगर अभी देना है तो वो भी आप लिख सकते हैं, बट एडिटेड कमेंट्स जो काउंट नहीं होंगे सो वो आप आराम से देख लेना। बाकी अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, पहली बार हमारी वीडियो देख रहे हैं, तो आप बेल नोटिफिकेशन दबा सकते हैं ताकि आप कोई भी मैच मिस ना करें, बीवीएल की वीडियो और फुटबॉल की वीडियो जो हम रेगुलर पोस्ट करते हैं। सो ऑल द बेस्ट फॉर दिस मैच गाइस, मिलते हैं अब आपको नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही।